अगर आपसे ये पूछा जाए कि साल में कितने महीने होते हैं और महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे सुमित भाई आपने ये कैसा सवाल कर दिया, ये तो एक स्टैंडर्ड वन का स्टूडेंट भी अच्छी तरह से इसका जवाब दे देगा। बट अगर आप किसी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का सुन ले, यानी कि किसी सिम कंपनी का देखें, जैसे जियो हो, एयरटेल हो, या कोई भी सिम प्रोवाइडर, जो भी कंपनी है जो डेटा और आपको टॉक टाइम देते हैं, अगर उनका बात करें तो उनके हिसाब से साल में जो है 13 मंथ होते हैं और महीने में 28 दिन होते हैं। वो कैसे हो जाता है? और जो साल का 13 महीना होता है वो सारा का सारा फरवरी होता है, वो भी लीप ईयर वाला। सभी रिचार्ज पे तकरीबन 30% का बढ़ोतरी हो गया है, और वहीं दिन का माने तो महीने में लगभग 8% घट गया है। यानी कि रिचार्ज तो पिछले महीने ही महंगा हो गया था, बट वहीं अगर दिन का माने तो लगभग 10 सालों से जो है आपको 28 दिन का ही प्रॉफिट दिया जा रहा है, यानी कि 28 दिन ही सर्विस दिया जा रहा है महीने में, सिर्फ 28 दिन ही ये सिम कंपनियों वाले के लिए होता है। तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो छोटा मोबाइल रखते हैं, यानी कि जो स्मार्टफोन नहीं रखते हैं, तो उन लोगों के साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो कि वो आप किसी दुकान पे गए और कहें कि मुझे एक बेल चाहिए साइकिल के लिए, और दुकानदार आपसे ये कह दे कि सर मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, आपको पूरा साइकिल ही लेना होगा। तो इन सब के बीच एक राहत का बात भी सुनने में आ रहा है, जिसमें अच्छा कदम उठाया गया है ट्राई की तरफ से। ट्राई की माने तो, और ट्राई है क्या, तो ट्राई है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के तरफ से काफ़ी सराहनीय कदम उठाया गया है उन यूजर्स के लिए, या समझिए तो सभी यूजर्स के लिए, जो कि 28 दिन के रिचार्ज के प्लान से बहुत परेशान थे। क्योंकि हो क्या रहा था कि साल में कुल 13 महीने रिचार्ज कराना पड़ जा रहा था एक प्रीपेड यूजर को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ट्राई ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कहा कि उन्हें 30 दिन का एक वैलिडिटी वाला भी कॉम्बो रिचार्ज प्लान लाना चाहिए, और उसमें आपको एक रिचार्ज ऐसा हो जो सिर्फ वैलिडिटी के लिए हो और दूसरा रिचार्ज कॉम्बो हो, ताकि उन कंज्यूमर को भी थोड़ा राहत मिल जाए जो डेटा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर समझे कि उनके लिए जो रेगुलर इस तरह महंगा रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। तो इस पे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने अपना वकालत करते हुए कहा कि लगभग 10 सालों से सारा कंज्यूमर को पता है कि अब महीने के 28 दिन ही उनका रिचार्ज चलता है, पर ट्राई के तरफ से नहीं माना गया इस बात को। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कस्टमर के पूरे हित में उन्हें कहा गया है कि नहीं, आप ऐसा प्लान बिल्कुल रखें जो 30 दिनों के वैलिडिटी के साथ आए। तो इस पे उन्हें 60 दिनों का मौका दिया गया है, यानी कि कुल 2 महीने का, और 2 महीने के अंदर उन्हें डिसीजन लेना है कि कौन सा प्लान अब आपको मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ रहा हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का न्यूज़ आपको आगे भी मिलता रहे, और जैसे ही नया प्लान लॉन्च करता है सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद।